नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नई गर्लफ्रेंड खुलेगी राज, और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। गुरुग्राम की 27 वर्षीय मॉडल दिव्या पाहुजा को उसी के ही साथी ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और शव को गाड़ी में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। इस मर्डर केस की तेजी से जांच चल रही है, रोज नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और क्यों अभी तक गुरुग्राम पुलिस शव को बरामद नहीं कर पाई? अपनी खास पेशकश में हम दिव्या पाहुजा मर्डर केस की हर एक अनसुलझी पहेली से एक एक कर पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा के गुरुग्राम की मॉडल और गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड रह चुकी दिव्या पाहुजा की हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही है। एसआईटी को अब होटल मालिक अभिजीत की एक नई गर्लफ्रेंड मिली है जिसने कई राज खोले हैं। ये होटल मालिक अभिजीत की वही दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड है जिसे अभिजीत ने दिव्या की हत्या करने के फौरन बाद होटल सिटी पॉइंट में बुलाया था। देखिए हमारी सबसे पहली रिपोर्ट में अभिजीत की दूसरी गर्लफ्रेंड ने क्या अहम खुलासे किए हैं। मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्याकांड की जांच तेजी से हो रही है। इस सनसनीखेज केस में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब दिव्या मर्डर केस में हुई नई गर्लफ्रेंड की एंट्री। आरोपी अभिजीत ने दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को बुलाया था। अभिजीत की दूसरी गर्लफ्रेंड दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली है। दिव्या हत्या मामले में बनाई गई एसआईटी अभिजीत की दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पहुंची और उससे पूछताछ की। युवती ने पुलिस को बताया कि उसने होटल में दिव्या का शव देखा था। अभिजीत ने गर्लफ्रेंड को दिव्या की लाश ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। इस युवती का जिक्र दिव्या पाहुजा की बहन नैना पाहुजा ने एफआईआर में भी किया है। युवती फूड डिलीवरी बिजनेस से जुड़ी हुई बताई जा रही है। बहरहाल दिव्या पाहुजा हत्याकांड की गुत्थी को एसआईटी अभी तक सुलझा नहीं पाई है और न ही उसके शव का पता लगा पाई है। हालांकि अब इस मामले में हत्या के मुख्य आरोपी और होटल मालिक अभिजीत की गर्लफ्रेंड की भी एंट्री हो गई है। पुलिस अब उस युवती को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। तो गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या मामले में एक के बाद एक कई नाटकीय मोड़ आते दिख रहे हैं। पहले जिसे सिर्फ एक साधारण हत्या का केस समझा जा रहा था, उसी मामले में अब ब्लैकमेलिंग से लेकर गैंगस्टर कनेक्शन तक सामने आ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि वारदात को इतने दिन बाद भी पुलिस को अभी तक दिव्या का शव नहीं मिल पाया है। जांच का ये एक ऐसा पहलू है जिस वजह से पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि दिव्या की हत्या क्यों और कैसे हुई। खूबसूरत मॉडल की जिंदगी की वो आखिरी रात होटल के रूम नंबर 111 की कहानी। मिस्ट्री बना गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड का मर्डर। मॉडल दिव्या पाहुजा, ये वो नाम है जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। गुरुग्राम के बस स्टैंड के पास होटल सिटी पैलेस पॉइंट में 1 जनवरी को अभिजीत अपनी महिला साथी दिव्या पाहुजा के साथ एंटर होता है और उसके बाद दिव्या की हत्या कर दी जाती है। गुरुग्राम पुलिस को 27 वर्षीय मॉडल दिव्या पाहुजा की बहन
नैना शिकायत देती है कि उसकी बहन गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में अभिजीत के साथ गई थी, लेकिन अब उसका फोन बंद है। 2 जनवरी को गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंचती है और तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस को कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें 27 वर्षीय मॉडल दिव्या पाहुजा को 2 लोग घसीटते हुए लेकर जाते हैं। ये शव दिव्या पाहुजा का था। इसके बाद आरोपी दिव्या के शव को BMW गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। इसके बाद एक और CCTV सामने आता है जिसमें 3 लोग होटल में एंट्री करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि होटल का मालिक अभिजीत, दिव्या पाहुजा और एक अन्य युवक था। तीनों लोग होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर तक उनमें कुछ बात होती है और तीनों लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड और मॉडल दिव्या पाहुजा कैसे आरोपी अभिजीत के संपर्क में आई और कैसे गुरुग्राम के इसी होटल में पहुंची? क्या ब्लैकमेलिंग बनी दिव्या पाहुजा की हत्या की वजह? पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में कारोबारी अभिजीत समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिव्या की हत्या जिस होटल में हुई उसी के मालिक ने उसे गोली मारी थी। होटल के मालिक अभिजीत ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें दिव्या के पास थी। इन्हीं तस्वीरों से वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो कई बार उससे पैसे मांग चुकी थी, अब वो उससे मोटी रकम मांग रही थी। वो उसे अपने साथ होटल लेकर आया था। उसने उससे तस्वीरें डिलीट करने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। उसने फोन का पासवर्ड मांगा तो दिव्या ने वो भी देने से मना कर दिया, जिसके चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गर्लफ्रेंड गैंगस्टर और गैंगस्टर के इनकाउंटर के बाद अब गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड की हत्या इसी होटल में की गई, लेकिन शव को अभी तक गुरुग्राम पुलिस बरामद नहीं कर पाई। अब इस पूरे मामले में अब क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब में छानबीन कर रही है और शव को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस गाड़ी को लेकर अभिजीत के 2 साथी गए थे उसी BMW कार को गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने लुधियाना से बरामद किया है। बहरहाल जहां एक तरफ इस हाई प्रोफाइल केस में गुरुग्राम पुलिस के पास CCTV फुटेज है, तो वहीं अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस मृतका के शव को भी बरामद करने में असफल रही। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। अब सवाल उठता है कि आखिर दिव्या पाहुजा कौन थी? दिव्या की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और इसके चलते आज उसी की हर जगह चर्चा हो रही है। गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या ने 16 साल की उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और 18 साल की उम्र में उसे गैंगस्टर संदीप गाडोली की फर्जी एनकाउंटर में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में दिव्या पाहुजा की पूरी कहानी। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड, मॉडलिंग, अकाउंटिंग, जेल और अब मर्डर। क्या है दिव्या पाहुजा की कहानी? गुरुग्राम के एक होटल में 2 जनवरी को एक महिला की हत्या हो जाती है। पता चलता है कि वो महिला मॉडल रही है। ये भी सामने आता है कि ये महिला मुंबई की भाएखला जेल में थी। लगभग 7.5 साल पहले उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामला हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाडोली के फेक एनकाउंटर का था। ये महिला पिछले साल जुलाई में जमानत पर जेल से बाहर आई थी। हम बात कर रहे हैं दिव्या पाहुजा की। गुरुग्राम के बलदेव नगर में रहने वाली दिव्या पाहुजा शुरू से ही मिस्टीरियस रही है। हुस्न की मलिका दिव्या पाहुजा के सपने बड़े थे और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए दिव्या पाहुजा ने गैंगस्टर संदीप गाडोली से नजदीकियां बढ़ा दी। कहा जाता है कि संदीप गाडोली की दुल्हनिया दिव्या पाहुजा बनना चाहती थी, लेकिन जब संदीप ने मना कर दिया तो उसी की हत्या की प्लानिंग भी दिव्या पाहुजा ने रची थी। एक गरीब परिवार में पली बड़ी दिव्या पाहुजा बेहद खूबसूरत थी। दिव्या के पिता परिवार का पेट पालने के लिए कभी अंडे बेचने का काम करते थे तो कभी फ्रूट बेचने की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन दिव्या के सपने बड़े थे। अपनी इसी खूबसूरती के दम पर उसने पहले मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। किसी कारणवश इसमें वो सफल नहीं हुई। वैसे 2016 की उस वारदात को समझना भी जरूरी है जहां पर पुलिस एनकाउंटर में संदीप मारा गया था। गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पाहुजा की साल 2015 में गैंगस्टर संदीप गाडोली से मुलाकात हुई थी।
उस दौरान दिव्या मॉडलिंग करती थी। मुलाकात के बाद गैंगस्टर संदीप गाडोली दिव्या को पसंद करने लगा और दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। फरवरी 2016 में संदीप गाडोली दिव्या के साथ मुंबई पहुंचा था। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच संदीप गाडोली का पीछा कर रही थी। 7 फरवरी की सुबह क्राइम ब्रांच की टीम उस होटल पहुंची जहां संदीप और दिव्या रुके थे। क्राइम ब्रांच ने संदीप को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन संदीप ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी फायरिंग की और इस दौरान संदीप को कई गोलियां लग गई। संदीप गाडोली को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी। दिव्या पहुजा 2016 में उस वक्त अचानक सुर्खियों में आई थी जब गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर संदीप गाडोली को मुंबई में इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। कहा जाता है कि पुलिस को तमाम मुखबरी दिव्या पहुजा के ही थ्रू मिली थी। संदीप गाडोली के परिवार ने गुरुग्राम पुलिस पर फेक इनकाउंटर का आरोप लगाया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि मॉडल दिव्या पाहुजा अपनी और संदीप गाडोली की लोकेशन सोशल मीडिया फेसबुक पर शेयर करती चल रही थी। इसी लोकेशन को ट्रेस करते करते गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई पहुंची। बिना मुंबई पुलिस को सूचना दिए एनकाउंटर को अंजाम दिया। मुंबई पुलिस ने 14 जुलाई 2016 को दिव्या पाहुजा को गिरफ्तार किया था। संदीप गाडोली गुरुग्राम के गाडोली गांव का रहने वाला था और तकरीबन उस पर 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास और फिरौती जैसे मामले गंभीर थे और लगातार दूसरी गैंगों से संदीप का 36 का आंकड़ा रहा था। और यही कारण था कि गुरुग्राम में क्राइम को खत्म करने के लिए पुलिस के लिए संदीप गाडोली सिरदर्द बन गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद दिव्या गुरुग्राम में रहने लगी थी। इसी बीच उसका एक होटल मालिक अभिजीत के साथ प्रेम संबंध बन गया और वो अक्सर अभिजीत के साथ नजर आने लगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अभिजीत गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का भी परिचित है और संदीप के परिवार ने आरोप लगाए थे कि बिंदर ने ही पैसे का लालच देकर दिव्या को मुखबरी के लिए तैयार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की शाम को भी दिव्या अभिजीत से मिलने के लिए उसके होटल में आई थी, जहां देर रात उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए आरोपी अभिजीत सहित होटल के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड और मॉडल दिव्या पहुजा का शव अभी तक पुलिस क्यों बरामद नहीं कर पाई। अब मामले को अगर समझा जाए तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। असल में अभिजीत भी बिंदर गुज्जर को जानता था और उसी की वजह से दिव्या से भी उसकी मुलाकात हुई थी। दिव्या पहुजा ने पहले गैंगस्टर संदीप गाडोली को अपने प्यार में फंसाया और उसका इनकाउंटर करवा दिया, लेकिन उसके बाद अभिजीत को अपने प्यार में फंसाया और पैसा ऐंठना चाहा, लेकिन इस बार दिव्या खुद ही मौत का शिकार हो गई। यानी कि ये सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं है, इसमें कई किरदार हैं, कई पुरानी दुश्मनियां भी दिख रही हैं और गैंगस्टर कनेक्शन तो काफी मजबूत है। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर ने अचानक सनसनी मचा दी है। पुलिस ने एक के बाद एक अरेस्ट शुरू कर दिए हैं। हत्या कब और क्यों की गई इसे लेकर खुलासे होने लगे हैं। यह भी पता चल गया है कि दिव्या की लाश को कैसे ठिकाने लगाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस दिव्या की लाश तक नहीं पहुंच पाई है। इस हत्याकांड को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई जानकारियां दी और अब दिव्या के मर्डर के राज से पर्दा हटाने के लिए SIT का भी गठन कर दिया गया। दिव्या पाहुजा हत्याकांड को लेकर पुलिस भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन अभी तक इस केस में ठाक के 3 पात ही नजर आए हैं। मॉडल की हत्या को इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके शव का पता नहीं चल पाया है। मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में 3 सदस्य SI टीम गठित की गई है। अब SIT ही इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाएगी। SIT टीम में DCP क्राइम सेक्टर 19 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल और सेक्टर 14 के थाना प्रभारी शामिल है। इस हत्याकांड को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई जानकारियां दी। होटल में जानकारी जो होटल पे लीज पे दिया हुआ है, ये होटल तो वहाँ जो लीज होल्डर है उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी
और ये जो अभियुक्त की जो प्राथमिक पूछताछ है, जो अभिजीत है, उसने बताया है कि करीब शाम को 5 बजे एक अल्टरकेशन के बाद उसने जो दिव्या पहचान, जो मृतका की पहचान दिव्या के रूप में हुई है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कितनी गोलियां मारी गई सर उसको? एक गोली। कारण क्या था इसके पीछे? जो अभी तक की पूछताछ में जो डिस्क्लोज हुआ है, पता चला है, उसके अनुसार ये अभिजीत और जो दिव्या है पिछले करीब 2.5-3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे और वो एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गए। हत्या के बाद अभिजीत ने होटल के 2 कर्मचारी ओम प्रकाश और हेमराज की मदद से दिव्या के शव को अपनी गाड़ी में रखवाया। इसके बाद होटल में 1.5 किलोमीटर आगे जाकर बलराज और उसके एक अन्य साथी उत्सव को BMW गाड़ी सौंप दी। दोनों को शव को ठिकाने लगाने के लिए जिम्मेदारी दी। बलराज और उसके एक अन्य साथी शव को पंजाब लेकर चले गए, जहां से पटियाला बस स्टैंड के पास पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली है। डेड बॉडी के बारे में, क्योंकि कैमरों से ही एस्टेब्लिश हो गया है कि डेड बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए BMW गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अभी करीब आधे घंटे पहले जो BMW गाड़ी है वो पटियाला बस स्टैंड पे डिटेक्ट हो गई है। हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गाड़ी खुल जाए, लॉक्ड है वो, और देखते हैं कि आगे क्या हालात बनते हैं। कौन गाड़ी को वहाँ तक लेके गया सर? कौन ये बलराज नाम का व्यक्ति है जो बेसिकली मोहाली का रहने वाला है, बलराज गिल, वो गाड़ी को लेके गया है। और उसका एक साथी और जो जिसका नाम रवि है, रवि बांगा, जो वो भी हिसार से रहने वाले हैं, वो दोनों इस गाड़ी को लेके पंजाब तक गए हैं। सर, ये दोनों मिले हैं, डिटेल है? नहीं नहीं नहीं, अभी तक हमारी टीम है वो पंजाब में मौजूद है और प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी उनको पकड़ेंगे। अभिजीत और दिव्या की आपस में जो कनेक्शन बना वो कैसे बना, कैसे एक दूसरे से पहचान हुई और दिव्या की बैक हिस्ट्री क्या है? जो अभिजीत है बेसिकली ये बिंदर गुजर जो एक बदमाश है, गैंगस्टर है, उसके टच में रहा है करीब पिछले 15 सालों से ऑफ एंड ऑन। और जब ये दिव्या जो कि संदीप गाड़ोली जो एक और गैंगस्टर है जिसका कि एनकाउंटर हुआ था मुंबई में, तो उस केस को अंजाम देने में उसकी भूमिका रही थी और उस केस में वो अक्यूज्ड भी है। पीछे 25 जुलाई 2023 को वो बेल पे रिलीज हुई है और उसके आने के बाद उसी ने बिंदर गुजर से अभिजीत की बात कराई और उसके बाद ये टच हुआ। मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर के खुलासे के बाद गुरुग्राम पुलिस ने होटल के तमाम CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और इस पूरे मामले के हर पहलू की छानबीन की जा रही है। मॉडल दिव्या पाहुजा के मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिजीत समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मामले में CCTV फुटेज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन मॉडल की डेड बॉडी को हत्या के बाद कहां ठिकाने लगाया गया है, इसका कोई सुराग नहीं मिला है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम से लेकर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ तक और उसके बाद पड़ोसी राज्य है पंजाब की खाक, अभी तक गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमें खंगाल रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां ये उठता है कि आखिरकार कब तक दिव्या पहुजा का सब पुलिस बरामद कर पाएगी और कब तक इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को कामयाबी मिलेगी। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, सूर्य समाचार। दिव्या की हत्या के बाद उनकी बहन नैना ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या में गैंगस्टर संदीप गाडोली के परिजनों का हाथ हो सकता है, लेकिन इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए संदीप गाडोली के परिवार की तरफ से उनकी बहन ज्योत्सना ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि दिव्या की हत्या से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे संवाददाता नीरज अम्बावता ने गैंगस्टर संदीप गाडोली की बहन ज्योत्सना से खास बातचीत की है, देखिए जरा। गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड की हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और इस पूरे मामले में लगातार पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, साथ ही दिव्या पहुजा के शव को बरामद करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया पेज जब फंसता है जब दिव्या की बहन नैना आरोप लगाती है कि संदीप गाडोली इनकाउंटर में, जिस तरह से संदीप गाडोली के परिवार ने आरोप लगाया था कि दिव्या पहुजा का इसमें अहम रोल था, और अब ऐसे में नैना जो है आरोप लगा रही है कि संदीप गाडोली
के कहने पे या संदीप गाडुली के परिवार के कहने पे या उनके इशारे पर इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि संदीप गाडुली की बहन ज्योत्सना हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पर हम जिस तरह से ये पूरी जो है हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किस तरह से सबसे पहले तो आप इसको देखते हो? हत्याकांड को तो जिस दिन हत्या हुई थी तो मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि बॉम्बे से तार जुड़े हुए हैं और नॉर्मल मर्डर नहीं है। ऊपर से बातें और गहरी हो गई जब पता चला कि बॉडी नहीं है और BMW में बॉडी डाल के लेके गए हैं। 10 लाख रुपए कौन दे रहा है? आप खुद तो एक होटल चला रहे हैं टपोरी सा और ऊपर से 10 लाख रुपए आप दे रहे हैं और BMW कार है। तो वहाँ से चीज़ें घूम गई कि हाँ बॉम्बे से तार जुड़े हुए हैं और पुलिस की नेगलिजेंसी ने और ठप्पा लगा दिया। पुलिस की नेगलिजेंसी बहुत अजीब है इतने हाई प्रोफाइल केस में, क्योंकि ये नॉर्मल मर्डर तो है नहीं, नॉर्मल लड़की भी नहीं है, वो तो ऑलरेडी बॉम्बे पुलिस की क्रिमिनल है। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी और जितना बॉडी नहीं मिल रही है तो और ज़्यादा संदिग्ध मामला बनता जा रहा है। संदीप गाडुली की जब जो है फेक इनकाउंटर हुआ तो किस तरह से दिव्या संदीप के संपर्क में आई और कैसे इस पूरे फेक इनकाउंटर जो आप आरोप लगा रहे हो इसकी जो है प्लानिंग हुई, रचना रची गई? हनी ट्रैप है वो, और पहले भी जो गैंगस्टर हुए हैं वो भी ऐसे ही मरे हैं, हनी ट्रैप में ही मरे हैं। ज़्यादातर महिलाओं को ऐसे पीछे लगाया जाता है और वो सबसे आसान प्रलोभन है। जैसे अफीम है उससे भी तगड़ा नशा लड़कियों का होता है, तो वो बहुत ही नॉर्मल है। एक 18 साल की सुंदर लड़की पीछे लगा दी और वो ट्रैप हो गया, बस इतना ही था और कुछ नहीं है। तथाकथित गर्लफ्रेंड कहो आप, गर्लफ्रेंड कर रहे हो तो हनी ट्रैप है। मैंने बॉम्बे भी यही बोला था कि गर्लफ्रेंड मत कहो, गर्लफ्रेंड मरवाती नहीं है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और जैसे अभी इस बूढ़े आदमी को कह रहे हैं कि ये इस लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो भी बॉयफ्रेंड नहीं है, वो भी ट्रैप हुई है और सेम मर्डर है जो बॉम्बे पुलिस ने मारा था वैसे ही यहाँ मरी है। और पुलिस की भूमिका बहुत ही डेंजरस है इसमें भी और वहाँ भी। अभिजीत के अभिजीत और अगर बिंदर गुजर की बात करें, क्या इनका संपर्क था और किस तरह से जो है दिव्या इनके चंगुल में फंसी या क्या कुछ प्लानिंग आपकी आपको लगता है? मैंने जो एक अभी मेरे सामने कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, हालांकि बॉम्बे मीडिया भी मेरे संपर्क में है, लेकिन मैंने सुना है कि बॉम्बे जेल से इसे संपर्क कराया था इस अभिजीत से बिंदर ने। बिंदर का ये पुराना फ्रेंड बताते 15 साल 1.5 दशक पुराना। तो जब ये जमानत पे आई है, जमानत किसने कराई है वो भी एक मसला बन सकता है, जांच का विषय है। और यहाँ की जो अभियुक्त पुलिस है वो जो टर्मिनेटेड लोग हैं वो बिंदर गुज्जर और गुड़गांव पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है फिलहाल। हो सकता है कि वो अपने दोस्तों का साथ दे रहे हों और सबूत मिटाने में साथ दे रहे हों, यह जांच का विषय है। और हमारी हमें जरूरत पड़ी तो हम तो फिर बाल की खाल तारेंगे, वैसे हम है नहीं, हमारा मसला नहीं है, अपने आप ही निपटाएंगे। क्योंकि जो जैसे दिव्या ने ट्रैप कराया था ऐसे खुद ट्रैप हुई है, बट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आखिरी सवाल, इस हत्याकांड से किसको फायदा हो सकता है और किस तरह से सीधा फायदा हो? मैं इतना बताती हूँ, फायदा हमें तो हो नहीं सकता, हमने तो जो करना था कर दिया और हमारा पूरा लीगल बैटल था। आप पहले दिन से साक्षी हैं आप लोग, मीडिया से शुरू हुई थी हमारी कहानी और मीडिया ने ही हमें वहाँ पर भी, हमने मीडिया ट्रायल चलाया और 9 महीने में बॉडी को गुड़गांव ला के दाह संस्कार किया है। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, कानून में लड़ी और हम जीते भी। और फायदा उनको होगा जिनकी 8 साल से जमानत नहीं हो रही है। और वो गैंगस्टर तो वो हैं सारे, एक विंदर गुज्जर गैंगस्टर हैं, उसके गुर्गे हैं हरियाणा पुलिस के जवान जो वहाँ पर 8 साल से बंद हैं, जिन्होंने संदीप की हत्या करी थी बिंदर एक गैंगस्टर की टिप पर, एक लड़की से हनी ट्रैप कराकर। तो फायदा उनको है और मेन एक्यूज को टपकाया है, तो ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस पर पैनी नज़र रखें और बॉडी जब तक नहीं मिल रही है तो मामला और गहराता जा रहा है। बॉडी को एम्पर टेम्पर करने के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश है, कोई मास्टर माइंड है इसके पीछे। नॉर्मल आदमी मार कर वहीं बैठा रहेगा या खुद ही मर जाएगा, बॉडी को इधर खुर्द बुर्द किया जा रहा है, तो मास्टरमाइंड काम कर रहा है इसके पीछे। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ गैंगस्टर संदीप गाडुली की बहन ज्योत्सना, जिनका आरोप है सीधा सीधा कि इस पूरे हत्याकांड के तार मुंबई जेल से जुड़े हो सकते हैं और ऐसे में इस पूरे मामले की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, सूर्य समाचार। गुरुग्राम मॉडल दिव्या पाहुजा की सनसनीखेज हत्याकांड दिनों दिन एक पहेली बनता जा रहा है। अभी तक दिव्या का ना मोबाइल मिला है और ना ही उसका शव। एक सवाल ये भी कि क्या ये मर्डर जितना सामान्य दिख रहा है उतना है ही? इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में नई गर्लफ्रेंड खोलेगी राज में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।